प्रदर्शन के आधार पर वोट मांगेगा एनडीए। पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया दिशाहीन। चुनाव आयोग द्वारा 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भाजपा और एनडीए इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में मोदी ने कहा, देश की जनता ने परिणाम देने वाली सरकार से मिलने वाला लाभ देखा है। जनता फिर से केंद्र में भाजपा सरकार के एक और कार्यकाल की प्रतीक्षा कर रही है। चुनाव आयोग द्वारा 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भाजपा और एनडीए इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में मोदी ने कहा, देश की जनता ने परिणाम देने वाली सरकार से मिलने वाला लाभ देखा है, इसलिए जनता फिर से केंद्र में भाजपा सरकार के एक और कार्यकाल की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग भी भाजपा के सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विश्वास जताया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए कार्यों से लोग अवगत हैं। लोगों ने एक रोड मैप बनाने का सामूहिक संकल्प लिया है। यह रोड मैप अगले 1000 वर्षों तक देश को प्रगति की राह दिखाएगा और भारत का सर्वांगीण विकास करेगा। इसके जरिए भारत वैश्विक नेतृत्व करने में सक्षम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजग इस चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर वोट मांगेगा। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, 10 साल पहले देश के लोग इंडी गठबंधन के लचर शासन के कारण ठगा हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। घोटाला और नीतिगत पंगुता से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं था। दुनिया ने भारत को छोड़ दिया था, वहां से एक शानदार बदलाव हुआ है। मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति से देश विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। करोड़ों लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है। हमारी योजनाएं भारत के सभी हिस्सों तक पहुंची हैं। एक अन्य पोस्ट में मोदी ने कहा, देश के लोगों ने देखा है कि एक प्रतिबद्ध और परिणाम देने वाली सरकार क्या कर सकती है। वे इससे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए देश के हर हिस्से से समाज का हर वर्ग इस सरकार की सत्ता में वापसी चाहता है। पीएम ने कहा कि हमारा विपक्ष दिशाहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वे हमें सिर्फ गाली दे सकते हैं और वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। उसके परिवारवादी नजरिए और समाज को विभाजित करने के प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमें ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए।